नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दिवाली से रोशन जहां पूरा हिंदुस्तान रहता है, वहीं विदेशों में भी दिवाली का जश्न होता है। भारत है ही एक ऐसा देश जिसके रीति रिवाज विदेशों में भी अपनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विदेशों में भी दिवाली इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, तो उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली एक ऐसा पर्व जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, जहाँ एक नारी के सम्मान पे रामायण लिखी गई, जहां रावण ने भी मस्तक झुकाया था, जहां वानर सेना ने लंका में तहलका मचाया था, जहां अयोध्या वासियों ने पहली बार दिवाली मनाई थी। अब श्री राम के भक्त विश्व भर में फैले हैं। दिवाली के जश्न में विदेशी भी झूम रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर से लेकर फिजी तक विदेश भी चमक रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां और किन किन देशों में दिवाली मनाई जाती है, वो भी एकदम भारत की तरह। तो इसमें सबसे पहला नाम है इंडोनेशिया का। यहाँ किए जाने वाले लगभग सभी अनुष्ठान भारत के समान हैं। लोगों को बधाई देने, लोगों से मिलने और रोशनी के त्योहार का पूरा आनंद इंडोनेशिया बड़े प्यार से लेता है। तो वहीं कनाडा में, जहाँ आधी से भी ज्यादा आबादी पंजाबियों की है, तो इसीलिए भी दिवाली कनाडा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि कनाडा में दिवाली के वक्त लंबे समय तक किसी को छूट नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ दिवाली का अनुभव नहीं करेंगे। कनाडा में भी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। फिजी में भारतीयों की विशाल आबादी के कारण दिवाली बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। दिवाली के खास अवसर पर भारत की तरह फिजी में भी स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। तो वहीं बात अगर मॉरिशस की करें, तो मॉरिशस में हिंदू समुदाय की आबादी का लगभग 50% शामिल है, जिस वजह से दिवाली बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। जो जोश खरोश हम हिंदुस्तान में देखते हैं, उससे कुछ कम मॉरिशस में देखने को नहीं मिलता। तो वहीं मलेशिया में दिवाली को हरी दिवाली के रूप में जाना जाता है, जबकि भारत में पालन किए जाने वाले रस्म रिवाजों से थोड़े अलग होते हैं। इस दिन लोग सुबह तेल स्नान से शुरू करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मलेशिया में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसीलिए यहाँ के लोग मिठाई, उपहार और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करके इस त्योहार को मनाते हैं। श्रीलंका की बात कर लें, तो श्रीलंका के सबसे भव्य हिंदू उत्सवों में से एक है रोशनी का त्योहार, जो बुराई पर अच्छी ताकतों की जीत का प्रतीक है। भारत की तरह ही श्रीलंका में भी दिवाली की उतनी ही मान्यता है जितनी हिंदुस्तान में है। नेपाल की बात करें, तो नेपाल में दिवाली के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दशई के बाद रोशनी का त्योहार नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। नेपाल इस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाता है। यदि आप दिवाली के समय नेपाल जाते हैं, तो आपको भारत में रहने का एहसास होगा। सिंगापुर, सिंगापुर में हैं तो आप देखेंगे कि भारत की तरह इस समय के दौरान ये स्थान कैसे रोशन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश भी इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो वहीं यूके हर चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूनाइटेड किंगडम में कई शहर हैं, विशेष रूप से लिचेस्टर और बर्मिंघम, जो दिवाली को भव्य तरीके से मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय बसे हुए हैं। अगर आप वहाँ हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ के उत्सव लगभग भारत के समान ही कितने खूबसूरत तरीके से मनाए जाते हैं। थाईलैंड में दिवाली को लोम क्रियोनख के रूप में जाना जाता है, और ये त्योहार लगभग दिवाली उत्सव के समान ही है। थाई कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। भारतवासी जहां जहां होते हैं, वहीं अपना रंग फैला देते हैं। अब वो चाहे बोरिस जॉनसन का यूनाइटेड किंगडम हो या शेर बहादुर का नेपाल, दिवाली के त्योहार से पूरा विश्व दुल्हन की तरह चमकता जरूर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। साथ ही आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और कैपिटल टीवी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।